आज के सीन में जैसे देखे आप थोड़ी इमोशनल भी थे एंड जैसे आंखों में प्यार भी झलक रहा था। कितना प्यार झलक रहा था थोड़ा बताएंगे? मैं तारा प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और उसका इजहार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ उससे, तारा को इस बारे में अपने दिल की सच्चाई कैसे बयां करूँ। लेकिन सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे मेरा परिवार मेरे साथ है और तारा मेरे साथ नहीं है, लेकिन तारा को इस चीज़ का भरोसा दिलाने के लिए मुझे कुछ कठोर चीज़ें करनी पड़ेंगी अपने लिए। लाइक आई डोंट नो कठोर वर्ड सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मुझे स्ट्रगल है थ्रू कि तारा को, तारा का दिल जीतने के लिए, तारा के परिवार का दिल जीतने के लिए वो एक अच्छा चंक होगा आप लोगों के लिए, ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रोमांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बहुत मिक्स इमोशंस हैं रहेंगे उसकी साइड से, उसके परिवार वालों की साइड से, मेरी साइड से, मेरे परिवार वालों की साइड से। लेट्स सी क्या होता है। मतलब कहीं ना कहीं ध्रुव नॉर्मल लाइफ से अब अलग लाइफ में भी जाने वाला है, तो कैसा रिएक्शन हो रहा है ध्रुव का? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड मुझे खुद को एक नए रूप में देखने को मिलेगा। मैं खुद को होता है ना कि आपको कुछ चंक होते हैं कि आपको सीरियल के बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक ये जो पार्ट होने जा रहा है, और तो मुझे सब चंक अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ये फिर सबसे फेवरेट होगा 17th सेंचुरी वाला, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत नया है। जैसे आपके फैंस हमेशा आपको नॉर्मल कॉस्ट्यूम में देखते हैं, मतलब आजकल थोड़ा राजा महाराजा की तरह ही आपका कॉस्ट्यूम लग रहा है, तो कितना डिफिकल्ट हुआ मतलब आज आपको? गर्मी भी काफी थी आज। मुझे कोई भी कॉस्ट्यूम हो, कुछ भी कपड़े हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी सीन हो, मुझे हर चीज़ करने में मज़ा आता है एंड मुझे हर चीज़ सीखने में मज़ा आता है। एवरी डे इज़ ग्रो, क्या कह सकते हैं, इज़ लाइक अ ग्रोथ फॉर माई करियर, फॉर माई लाइफ, टूवर्ड्स माई लाइफ। एंड मैं हर दिन को ऐसे लेता हूँ कि करियर में ग्रोथ हो या ना हो, आप एज ए इंसान ग्रो ज़रूर करने चाहिए हर रोज़। और कभी आप ये सब बाय प्रोडक्ट हैं, करियर हो गया, पैसा हो गया, फेम हो गया, नेम हो गया, लोगों का वैलिडेशन हो गया, ये सब बाय प्रोडक्ट है। आप अपने से सच बोलिए, खुद से सच कहिए कि कल आप कैसे थे, आज कैसे हैं, कल कैसे होंगे, तो खुद ब खुद वो एज अ बाय प्रोडक्ट आपको अच्छा।